से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल्स। इससे पहले हमने टेंस किए, सम बेसिस टर्म्स ऑफ इंग्लिश, उसमें हमने कम से कम 50 टॉपिक्स करे होंगे जिनके बारे में हमने ब्रीफली पूरा का पूरा नॉलेज लिया है कि ये टॉपिक होता क्या है। अब उसके बाद हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन करे जो पूरे के पूरे डिपेंड होते हैं टेंस पे। अब आता है आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं। देखने को तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक से ही हमारे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। ए, एन और द। यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, द, दी। कभी हम इसे द बोलते हैं और कभी हम इसे दी बोलते हैं। कब बोलते हैं ऐसा? जब आर्टिकल्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। द और दी, अगर हमारे वोवल साउंड से पहले ये होता है तो दी बोला जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है तो द बोला जाता है। इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बोलने हमारे प्रोनाउंसिएशन करने में ही हम गड़बड़ करते हैं। जब जी में आया दी बोल देते हैं, जब जी में आया द बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द बोला जाता है और वोवल साउंड से पहले दी बोला जाता है। ये है हमारा। अब वापिस आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल्स वाले पॉइंट पे। आर्टिकल्स 3 होते हैं, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए और एन। इसे बोलते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स। सिंगुलर सेंटेंस के लिए सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन लगता है। तो सबसे पहले मैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करती हूँ। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इसका अर्थ होता है अनिश्चित और निश्चित। ए और एन, इट मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, ये कब लगाया जाता है? अगर हमारा कोई नाउन सिंगुलर है, दोनों का अच्छा है, सबसे पहले दोनों का अर्थ एक ही होता है एक संख्या के लिए, सिंगुलर पॉइंट के लिए, लेकिन दोनों कब कहां कैसे लगते हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ। एन, पहले मैं एन के बारे में बात कर रही हूँ। एन का अगर हमने देख लिया ध्यान से तो बाकी के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे ए में आते हैं सिंगुलर नाउन के बारे में। डेफिनेट जो निश्चित होता है उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। एन, जब हमारा हिंदी के जो वोवल्स हैं, हिंदी के कौन से वोवल हैं, ए, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, औ, इनसे पहले जब हमारे बोलने में प्रोनाउंसिएशन करने में अगर इनका साउंड निकलता है, इट मींस वोवल साउंड प्रोनाउंसिएशन में होता है, तो एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। या दूसरे पॉइंट में मैं लेती हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। जब हमारा कोई सेंटेंस या कोई वर्ड वोवल साउंड, अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, वोवल साउंड से अगर प्रोनाउंस होता है तो हम एन आर्टिकल्स यूज करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, इन दोनों का ही देखा जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा यूनिटी, अब इसमें है तो ये यूनिटी, यू वोवल साउंड है, लेकिन बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा आ रहा है ये आ रहा है। इसी तरह से लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये आ रहा है। इसी तरह से दूसरा एम ए, देखने में तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका साउंड क्या बन रहा है, वोवल साउंड हो रहा है। एम ए, एम एल ए, इनसे पहले कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर वोवल साउंड से, अगर किसी वर्ड का साउंड वोवल साउंड निकलता है, प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो वोवल साउंड होता है, तो उससे पहले एन आर्टिकल लगता है। बाकी सिमिलर वर्ड के साथ, जैसे मैंने लिखा यहाँ ए बॉल, बैग, ए बैग तो पूरा अलग से बोला जा रहा है, तो ये बॉल, ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। अब कई बार क्या है,
मैं तो अलग बोला जा रहा है। इनके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कई कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता, जैसे किसी भी कंट्री से पहले अगर मैंने यहां लिखा दिल्ली तो दिल्ली से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, किसी भी सिटी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, किसी भी स्ट्रीट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने पहले आपसे बात करी इंडेफिनेट आर्टिकल्स की, अब पॉइंट आ रहा है जिसमें कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, वो है आपका सिटी, किसी भी सिटी से पहले नहीं लगेगा, किसी भी कंट्री से, जैसे बहुत बड़ी सिटी है दिल्ली तो मैं दे आर्टिकल लगाऊं या कोई भी आर्टिकल लगाऊं, गलत है ये। कंट्रीज किसी भी कंट्री से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, अगर कंट्री ऑफ ग्रुप यूएसए इससे पहले द आर्टिकल लगेगा, यूएनओ इससे पहले द आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये कंट्री नहीं ग्रुप ऑफ कंट्री है, देशों का समूह है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए द आर्टिकल्स लगेगा। लेकिन अगर मैंने लिखा इंडिया तो यहां कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। किसी का भी नाम अगर यहां मैंने लिखा राम तो किसी के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब ये हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल्स हो गया, अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। पब्लिक प्लेस जहां होते हैं वहां कोई आर्टिकल्स नहीं आता, जो हमारे प्ले होते हैं उनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई भी डिजीज है बीमारी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हम किसी बात करते हैं कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। कलर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। फेस्टिवल्स, दीपावली, होली, इनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ये तो थे हमारे जिनमें हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब मैं वापस आती हूं आपके ए और एम के पॉइंट पे। कई बार ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल साउंड का न होते हुए, वोवल न होते हुए कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, लेकिन फिर भी इससे पहले एन आर्टिकल लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साउंड है, जब हम प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का कर रहे हैं उस वक्त जो साउंड आती है उसमें हम होनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, ऑनेस्ट बोला जा रहा है, ऑनेस्ट। इसलिए ओ साउंड जो है हमारा वोवल साउंड है, तो इससे पहले एन आर्टिकल लगेगा। जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के जो काउंटेबल नाउन होते हैं, उनसे पहले ए आर्टिकल लगेगा। इतना होते हैं कई बार, जैसे हमारा वर्ड जो होता है वो वोवल साउंड का होता है, वोवल होता है सॉरी, लेकिन फिर भी हम इसमें आर्टिकल एन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसका जब हम प्रनाउंस करते हैं यूनिवर्स, यू यह की ध्वनि बोली जा रही है, हमारा जो साउंड निकल रहा है वो यह का है। इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको करेंगे। एन आर्टिकल्स दोनों ही सिंगुलर और काउंटेबल नाउंस ए और एन, इट मींस इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन दोनों ही पॉइंट सिंगुलर सब्जेक्ट,
सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के साथ लगाया जाता है। अब जिनके साउंड जो है वोवल साउंड आती है, लिखने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा यहाँ पे जो वर्ड हमने लिखा है वो हमारा वोवल साउंड है, वोवल लिखा है, क्योंकि जो इंग्लिश में वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, इन पांचों वोवल में से अगर हमने कुछ भी लिखा है और उसका साउंड अगर वोवल साउंड नहीं है तो एन आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे ये हो गया हमारा। अब आपका बचता है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है हमारा? डेफिनेट आर्टिकल्स है हमारा द। जो स्पेशल पॉइंट होता है, जो विशेष होता है, उसमें द आर्टिकल्स लगाया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसमें न्यूज़पेपर से पहले द आर्टिकल्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, इस तरह से। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल्स लगता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से देखना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगेगा अगर मैंने यहां लिखा बेस्ट, लेकिन अगर इस बेस्ट से पहले पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, माय, हर, हिज, योर, अगर ये आते माय बेस्ट फ्रेंड, अगर ये पॉइंट आ जाता है तो इससे पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री अकेली है तो उससे पहले द आर्टिकल लगेगा। मैंने लिखा यहां पे रिचेस्ट, ही इज ए रिचेस्ट पर्सन ऑफ, तो यहां द आर्टिकल लग गया। लेकिन द आर्टिकल इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई भी हमारा इस तरह से पॉइंट आ जाता है जिसमें माई, आवर, हर, योर पजेसिव प्रोनाउन, तो वहां पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। रिवर से पहले द गंगा, द सन, क्योंकि ये सब डेफिनेट है, निश्चित है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, डायरेक्शन से पहले द आर्टिकल लगेगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनसे पहले द आर्टिकल लगेगा। और ओशियन, गुफ, वैलीज, माउंटेन, इन सबसे पहले द आर्टिकल लगेगा। रिलीजियस बुक, जो भी हमारी होली बुक्स हैं, धार्मिक ग्रंथ जिसे कहते हैं हम, उनसे पहले द आर्टिकल लगेगा। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना कि डेफिनेट कौन कौन से पॉइंट हैं जिनमें हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स लगता है। डेजर्ट, द आर्टिकल लगेगा। अगर किसी पूरे ग्रुप के बारे में, पूरे जाति के बारे में बात हो रही है, अगर किसी एक, जैसे मैंने लिखा द डॉग, तो यहां सारे जो डॉग्स हैं उन सबके बारे में बात होती है। यही आ जाता है पॉइंट ए, डॉग, द डॉग इज फेथफुल एनिमल।
पूरे के पूरे जितने भी डॉग्स हैं सभी फेथफुल एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे द डॉग आ गया। लेकिन अगर एक सिंगुलर डॉग के बारे में बात होती है तो ए डॉग आ जाएगा। अब इसमें द सन वगैरह हो गया, टेम्पल्स जो हैं हमारे धार्मिक स्थल हैं, रिलीजियस प्लेस, उनमें भी द आर्टिकल लगेगा। द वैष्णो देवी मंदिर, द सालासर मंदिर, तो जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें भी द आर्टिकल लगेगा। अब ये हुआ, और भी द आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। एडजेक्टिव प्लस नाउन जहां होते हैं वहां द का यूज होता है, जैसे द नेशनल हाईवे, हमारे जो ये राष्ट्रीय दिन होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, उनसे पहले भी द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, ये लगाया जाता है। अगर हम कोई डेट लिखते हैं जैसे 25th जुलाई, तो इससे पहले भी द 25th जुलाई दे का यूज होता है। होली बुक्स, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ, महाभारत, द रामायण, ये सब के सब होली बुक्स भी द आर्टिकल्स लेती हैं। नाउन की तरह अगर कोई एडजेक्टिव यूज हो, अगर नाउन की तरह किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज होता है तो द यूज होता है। जैसे ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये स्टार्टिंग में यूज हुआ है तो ये द ब्रेव। फ्रेज या क्लोज से बिल्कुल डेफिनेट हो जाता है कि ऐसे पॉइंट्स में नाउन के पहले द आर्टिकल आता है। तो जैसे द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, फ्रेज या क्लोज से पहले जो डेफिनेट होता है कि ये दिखाना होता है, उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये ऐसे इसमें जो खड़ी है वो मेरी बहन है। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। किसी भी रिलीजियस रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट और नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, सिप और जो हमारी जो वाटर सिप होती हैं, जलपोतों जिसे कहा जाता है, वो इन सबसे पहले द आर्टिकल यूज होता है। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द शर्मा नेशनलिटी के लिए, द बीजेपी, द कांग्रेस, अगर कोई शिव का नाम है तो द अशोका, द विक्रांत, इन सब के लिए द यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल्स लगेगा, द वायलिन, द गिटार, द तबला, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सबसे पहले भी द आर्टिकल लगेगा। दो कंपेरेटिव डिग्री अगर एक सेंटेंस में एक साथ आती है, दो बार अगर कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है तो भी उसमें द आर्टिकल लगेगा, कि द सुनर द बेटर। और जो प्लूरल सरनेम होते हैं, जैसे पूरे परिवार के बारे में बात करते हैं, गुप्ताज फैमिली, पूरी जो है सरनेम आ गया उसमें, लेकिन पूरे परिवार के बारे में कि उसके गुप्ताज फैमिली, तो ऐसे पॉइंट्स में भी द आर्टिकल लगता है। तो इसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारा कंप्लीट हुआ। डेफिनेट ओनली द है, तीन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ए एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जो सिमुलर और काउंटेबल नाउन्स के पहले लगाए जाते हैं।
दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों को अगर अलग अलग समझते हैं तो एन लगेगा हमारा वोवल साउंड से पहले, जिसमें साउंड और फर्स्ट साउंड और फर्स्ट लेटर दोनों का ही वोवल प्रोनाउंसिएशन होता है, तब हमारा द आर्टिकल्स लग सॉरी एन आर्टिकल लगेगा। एन का यूज आपको बताया, ए का जो सिंगुलर नाउन होते हैं काउंटेबल और सिंगुलर सिंगुलर नाउन, उनमें ए का यूज होता है। द आर्टिकल्स आपको इतने सारे पॉइंट्स याद करवाने करे हैं बताए हैं कि उसमें सब में द आर्टिकल्स लगेगा। न्यूज़पेपर्स है, कहीं भी कोई मंदिर वगैरह है, धार्मिक स्थल जो है, मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे नदी पहाड़ घाटियां समुद्र महासागर, इन सब में द आर्टिकल्स यूज होता है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें आप ध्यान से देख लेना, ए एंड द डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों का यूज। थैंक यू।